हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज ये देखिए, हम आपको कान्हा जी के लिए प्यारी सी, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी, नीचे पैरों में भी फ्रिल और ऊपर भी ये देखिए फ्रिल वाली जो है, बहुत ही सुंदर जो है ड्रेस बनाना बताएंगे। और इसके साथ की ये कैप, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैंने वीडियो में ऑल साइजेस में कैसे मेजरमेंट लेनी है मैंने ये भी बताया है, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरी बनाई हुई ड्रेस को देखकर अगर कोई ड्रेस बनाते हैं तो उसकी वीडियो, सॉरी, उसकी पिक्चर भी आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाने के लिए हमने अपने कपड़े की कटिंग कर ली है। और कपड़ा देखिए, मैंने एकदम कॉटन का कपड़ा लिया है फ्रेंड्स, ये भी, और अपना ये चेक वाला कपड़ा भी जो है वो मेरा कॉटन का कपड़ा है फ्रेंड्स। तो ये निक्कर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैसे मेजरमेंट लेना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसकी लेंथ जो है फ्रेंड्स वो मैंने ली है 8.5 इंच, और जो ब्रेथ ली है वो मैंने 3 इंच से थोड़ी सी एक्स्ट्रा 3.25 इंच ली है फ्रेंड्स। तो ये हमें कैसे लेनी है, इसकी जो चौड़ाई है फ्रेंड्स आपको ऐसे लेनी है, अपने कान्हा जी को आप लीजिए, जिस भी साइज के आपके कान्हा जी हैं, तो उनका जो आगे वाला पैर ऐसे पीछे मुड़ के जा रहा है, और जो आगे वाला जो आगे है उन दोनों को ऐसे हिप्स पे से ऐसे मेजर कीजिएगा। तो जैसे मेरे कान्हा जी का 7 इंच आता है फ्रेंड्स, तो 7 का मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है 8.5 इंच। तो ऐसे आपका जितना है उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि दोनों साइड से सिलाई पे भी जाएगा और हल्का सा लूज भी होना चाहिए। तो हमें ऐसे लेनी है इसकी, ये ऐसे लेंथ। और जो ब्रेथ जो है वो अपने कान्हा जी की आप कमर पर इंची टेप रखिएगा, और जो पीछे पैर मुड़ा हुआ जा रहा है वहाँ तक आपको मेजर करना है। तो जैसे मेरे कान्हा जी का 2.5 से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आता है फ्रेंड्स, तो हमें उतनी लेंथ 2.5 इंच यानी कि हमें रेडी रखनी है। तो मैंने इसमें 3.25 इंच लिया फ्रेंड्स, क्योंकि 0.5 इंच जो है नीचे फ्रिल भी जाएगी, और 0.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर जो है हमारा ये अभी इधर से ऊपर से भी फोल्ड होगा और नीचे से भी सिलाई में जाएगा, और पहले हम फ्रिल लगा लेंगे, अगर हमें एक्स्ट्रा बड़ा लगता है तो हम ऊपर से कट कर सकते हैं, इसलिए मैंने अभी जो है 3.25 इंच लिया है। तो आपके कान्हा जी की जितनी भी लेंथ आ रही हो तो आपको उससे 0.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने कपड़े की पट्टी भी कट कर ली है, जो चेक वाला कपड़ा है। आप चाहें तो कोई भी और प्लेन कपड़े से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास चेक का कपड़ा नहीं है कॉटन का कंट्रास्ट में। तो ये देखिए, मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी कट करी, इसको फोल्ड करके मैंने प्रेस कर लिया फ्रेंड्स। तो ये 1 इंच की पट्टी रहेगी, और लेंथ जो है आप अंदाजे से ले सकते हैं, जो एक्स्ट्रा होगी वो बाद में कट हो सकती है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे अपने इस कपड़े के ऊपर। अगर आपके कपड़े में उल्टा सीधा है फ्रेंड्स, तो आपको सीधे के ऊपर ये ऐसे रखना है सीधा, और ऐसे हमें प्लेट्स डालते जाना है, ये देखिए, और सिलाई लगाती जानी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरे एंड तक हम प्लेट्स डाल लेंगे, और जब प्लेट्स लग जाएगी तो इसको हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर एक, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ से यहाँ तक प्लेट्स लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ फ्रिल बनाकर लगा ली, और ये देखिए इसको नीचे की साइड फोल्ड करके, और यहाँ पर भी मैंने एक सिलाई लगा ली। और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको मेज़र किया तो मेरा बिल्कुल सही था। यहाँ से ये देखिए, मैंने ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, तो मेरा अब जो है ये पूरा 2.5 इंच ही बचा है, जितना कि हमें चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें तैयार जो है ये 2.5 इंच चाहिए, तो देखिए 2.5 इंच से एक आधा पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था, तो सेम उतना ही है। अगर आप फ्रेंड्स ये फ्रिल लगाने के बाद, आपको ये देखना है कि आपका फोल्ड करने के बाद जितनी लेंथ आपको चाहिए, अगर आप फोल्ड करके देखिएगा, अगर आपकी वो ज़्यादा लगती है आपको, तो ऊपर से थोड़ा सा कट कर दीजिएगा पहले, फिर इसको फोल्ड कीजिएगा अगर आपको कपड़े की लेंथ ज़्यादा लगती है। मेरे कपड़े की लेंथ बिल्कुल सही थी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया इलास्टिक डालने के लिए। लेकिन अब हम इसकी निक्कर जो है वो बाद में बनाएंगे, पहले हम इसके ऊपर की चोली का जो है वो प्रोसेस करेंगे, उससे जो है वो ईजी हो जाएगा। अगर हम पहले ही इलास्टिक डाल देंगे तो ऊपर से उसकी फ्लैप जो है वो स्टिच करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको बाद में बनाएंगे, हम इसको रख देते हैं। तो इसके लिए देखिए, ऊपर का सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी फ्रिल बनानी है फ्रेंड्स। तो मैंने अपने रेड कपड़े की जो है कॉटन के कपड़े की 2 इंच चौड़ी एक पट्टी कट करी, और इसको ये देखिए यहाँ से मैंने फोल्ड कर लिया पतला पतला एक साइड से। आप चाहे तो डबल भी ले सकते हैं, बट उससे उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। और इसके ऊपर ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लिया तो चौड़ा है, क्योंकि अगर हम वैसे ही लेंगे तो हमें फ्रिल बनाने में, जैसे मैंने 2 इंच लिया था तो मैंने थोड़ी सी सिलाई जो है थोड़ी सी इधर की साइड लगाई है, यानी कि यहाँ से देखिए 1 इंच की फ्रिल मेरे को बनानी है, तो मैंने 1 इंच छोड़कर यहाँ पर जो है वो
सिलाई लगाई है और अभी थोड़ा सा और सिलाई में जाएगा तो 1.25 इंच की ही फ्रिल बनेगी। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 2 इंच की जगह आप 1.5 इंच की पट्टी लीजिएगा, फिर फोल्ड कीजिएगा, फिर ये सिलाई लगाइएगा। लेकिन अगर आप और ज़्यादा छोटे भी कान्हा जी की बना रहे हैं तो भी 1.5 इंच की ही पट्टी लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा छोटी पट्टी में फ्रिल बनाने में ईजी नहीं होगा। बस उसमें आप ये सिलाई थोड़ी सी इधर लगा के फ्रिल बना के आप बाद में कट कर सकते हैं। और जैसे आप ज़्यादा बड़े कान्हा जी की बना रहे हैं, जैसे 6 या 7 नंबर के कान्हा जी की बना रहे हैं, तो 2 की जगह 2.5 इंच की पट्टी ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर फ्रिल जो है वो थोड़ी सी बड़ी चाहिए, उनके कंधे थोड़े से बड़े होंगे तो थोड़ी बड़ी फ्रिल अच्छी लगेगी। तो ऐसे आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पैर की यानी मोटी सिलाई जो 0 नंबर की सिलाई वो लगा ली, और हम क्या करेंगे एक धागा यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से स्ट्रेच करके इस पर हल्की सी हम फ्रिल बना लेंगे इस तरीके से। एक ही धागा हमें खींचना है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ऐसे ही हम यहाँ से और यहाँ से दो, एक धागा इधर से और एक धागा इधर से, जो धागा हम यहाँ से खींच रहे हैं वही धागा यहीं से खींचना है, और ऐसे हम हल्की हल्की जो है फ्रिल बना लेंगे इसके ऊपर। और फिर चलिए पहले हम बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे दोनों साइड से धागे खींचकर मैंने ये ऐसे फ्रिल बना ली है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए अपने चेक के कपड़े की मैंने एक 1.5 इंच चौड़ी जो है वो पट्टी कट करी और उसको ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया मैंने। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमने थोड़ा नीचे सिलाई लगाई थी, हमें फ्रिल थोड़ी छोटी चाहिए थी, तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें सिलाई कट नहीं करनी है, वरना पूरी फ्रिल ख़राब हो जाएंगी और आपको दोबारा दूसरे कपड़े को कट करके बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सिलाई के पास से हमें ऐसे कट कर लेना है इसको, कपड़े को थोड़ी सी सिलाई को देखते हुए कि हमारी सिलाई ना कट जाए ऐसे। तो हम इसको ऐसे कट कर लेंगे, पूरा हम उसको वहाँ तक कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ये देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम लेंगे और जो ये देखिए जो हमारी सीधी साइड होगी, ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, हमें ये सीधी साइड अपनी फ्रिल इस तरीके से रख, ये सॉरी कपड़ा रखना है और पूरे पे हमें यहाँ तक स्टिच कर देना है इसको। जब ये स्टिच हो जाएगा तो इसको हमें फिर पाइपिंग की तरह लगाना है फ्रेंड, इसको फिर हम ये ऐसे पीछे फोल्ड करके और फिर एक सिलाई और लगा देंगे ऐसे, तो ये हमारी इस तरीके से पाइपिंग की तरह आ जाएगी। तो चलिए कटिंग करके और पहले हम ये लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लगा लिया है देखिए फ्रिल के ऊपर, और ये मैंने पाइपिंग पहले यहाँ पर स्टिच करी और पीछे ले जाकर फिर मैंने सिलाई लगा दी, ये देखिए। तो ये हमारी इस तरीके से एक स्टेप बन गई है। तो ये आपको एक ही लंबी स्टेप बना लेनी है फ्रेंड्स, अंदाजे से बनानी है, बाद में जो बड़ी होगी तो कट जाएगी, पर तो आप बड़ी ही बनाइएगा पहले, छोटी मत बनाइएगा, क्योंकि बड़ी जो होती है वो कट जाएगी, छोटी अगर हो गई तो आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे डबल करेंगे और बीच में से हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि हमें 2 स्टेप्स चाहिए। तो ये देखिए ये हमारी 2 स्टेप्स जो हैं वो रेडी हो गई है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए अपना जो दूसरा कपड़ा है हमारा चेक वाला, इसका फ्रेंड्स ये देखिए मैंने 2.25 इंच ऐसे और 2.25 इंच जो है ऐसे मैंने इसको एक स्क्वायर पीस कट कर लिया है, 2 स्क्वायर पीस कट किए हैं फ्रेंड्स ये देखिए। और ये आपको कैसे लेना है, इसकी लेंथ जो है वो आपको क्या करना है, अपने कान्हा जी के कंधे पर आपको इंची टेप लगाना है और जहाँ उनकी निक्कर होती है कमर पर वहाँ तक मेज़र करना है, जितना मेज़रमेंट आएगी उतना ये इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको उतनी लेनी है। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से हम कट लगा देंगे ये ऐसे। तो ये हमारा कट गया फ्रेंड्स, ये ऊपर से इस तरीके से तिकोना हो गया है। और हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए जो हमने जो 2 स्टेप बनाई हैं, ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये उल्टा सीधा जो है वो एक जैसा है, तो इसलिए मैं कहीं भी रख लूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका कपड़े में उल्टा सीधा है तो आपको क्या करना है, सीधा पार्ट अंदर करना है, उल्टा पार्ट जो है वो ऊपर करना है। तो और अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारी स्टेप है इसको भी हम क्या करेंगे इस तरीके से, ये देखिए एक पार्ट हम हटा देंगे और यहाँ पर रखेंगे इस तरीके, इसको हमें ऐसे रखना है फ्रेंड्स इस तरीके से, ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, क्योंकि ये हमारा भार की साइड होनी चाहिए फ्रिल। तो इसको मैं ऐसे सीधा करके, यानी कि ये हमारी सीधी होनी चाहिए, उल्टी साइड हमारी अंदर ही होनी चाहिए इस तरीके से, और ए यहाँ पर इस तरीके से इसके मिडल में, ये देखिए ऐसे मैं रखूँगी ये ऐसे, और इसके ऊपर जो है ये वाला रखेंगे हम, और यहाँ पर हम जो है सिलाई लगा देंगे। और इसको भी क्या है फ्रेंड्स, आपको ध्यान से अंदर करते हुए, ये देखिए ऐसे अंदर करते हुए हमें क्या है एक सिलाई लगा लेनी है,
ये देखिए इसको आपको अंदर कर ऐसे इस तरीके से इसको आप कर लीजिए, या तो आप पहले इनको यहाँ पर पिनअप कर लीजिएगा, इधर पिनअप कर लीजिएगा ताकि ये क्या है हमारी सिलाई में ना आए। तो हम दोनों जो स्टेप्स पे जो है वो पिनअप कर लेंगे इनको यहाँ से, और फिर ये यहाँ पर पकड़कर और तीन साइड जो है हम सिलाई लगा देंगे इसको ऐसे रख कर यहाँ पर, और इधर इधर और इधर हम तीन साइड सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये लगा लिया, और ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया। फ्रेंड्स ये जो हमारी डोरी बाहर होती है इधर, उसको जब आप पकड़ के खींचेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, और इस तरीके से देखिए ये आ जाएगा हमारा। अब आपको ये मेज़र करना है फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें कंधे से जो है हमारे कान्हा जी की जो नेक है वहाँ से उनकी पैंट की लास्टिक तक की लेंथ जो है 2 इंच है, लेकिन हमें यहाँ पर फ्रेंड्स जितनी है उसकी हमें हाफ करनी है। तो यानी कि मुझे 1 इंच चाहिए जबकि ये है हमारी 2 इंच, तो 2 इंच में से आधा इंच तो क्या है सिलाई में चली जाएगी फ्रेंड्स, तो 1.5 इंच हमें ये चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच रखूँगी और एक्स्ट्रा जो है वो मैं कट कर दूंगी नीचे से। तो ये देखिए यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा जो है वो कट कर दिया इस तरीके से, और ये देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे फ्रिल आ जाएंगे। और यहाँ पर आप कोई भी 2 बटन लगा सकते हैं, कोई फैंसी बटन लगा सकते हैं, या हाफ कटिंग पर्ल लगा सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से मेरा 1.5 इंच जो है ये रह गया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए अब जो हमारी ये जो हमने पैंट बनाई थी इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जो इसका मिडल पार्ट है इस पे हम निशान लगा लेंगे, और इसके भी मिडल पॉइंट पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इसके बिल्कुल मिडल पार्ट पे इसको इस तरीके से रखना है, मिडल पे मिडल मिलाना है। और ये जो हमारी पहली सिलाई है, ये देखिए ये वाली जो सिलाई है इसके ऊपर ही हमें ऐसे इसको रख कर ऐसे और सिलाई से स्टिच कर देना है, और स्टिच करने के बाद जो है हम इसमें लास्टिक डालेंगे। अगर आप पहले ही लास्टिक डाल देते तो फ्रेंड्स ये ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे लास्टिक से जो है चुन्नटे बन जाती, उसके बाद जो है जैसे जिसको प्रैक्टिस है तो वो तो कर सकता है, बट जो बिगनर है वो नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं ईजी वे में आपको बता रही हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। तो अब हमें सिलाई जो है इसी सिलाई के ऊपर रखकर, और ये देखिए ये पीछे से जो है हल्का सा बड़ा हमें रखकर, और इसके ऊपर हमें जो है सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, मिडल पे मिडल रखकर। तो ऐसे जो है हम पहले यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, और फिर इसके अंदर जो है हम लास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम सिलाई लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये यहाँ पर स्टिच कर लिया, और उसके बाद ये देखिए इसके अंदर जो है ये देखिए ये ऐसे स्टिच हो गया, और मैंने इसके अंदर अपने ऊपर लास्टिक डाल दिया। तो लास्टिक आपको कैसे डालनी है फ्रेंड्स, अपने कान्हा जी की कमर, जो आपकी कान्हा जी की जितनी भी कमर हो उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लास्टिक लीजिएगा, और इसको सेफ्टी पिन से इसके अंदर डाल दीजिएगा, और फिर इसको हम ऐसे करेंगे उल्टा, और फिर आप इसको जब सबको इस तरीके से पकड़ के खींचेंगे तो देखिए बिल्कुल इक्वल हमारे आ जाएगा। और यहाँ से पकड़ लीजिएगा, और इधर से भी दोनों साइड से, और अपने कान्हा जी की कमर के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे कान्हा जी की 4 इंच कमर है तो फ्रेंड्स मैंने 4.5 इंच की लास्टिक ली, तो अब यहाँ से हमें 2 इंच यानी कि 1/2 2 इंच पूरा 4 इंच, तो 2 इंच मेज़र करके, और बाकी यहाँ से यहाँ तक ऐसे पकड़ के यहाँ से यहाँ तक जो है हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली, और फ्रेंड्स 2 सिलाई लगाइएगा ताकि खुले ना। तो देखिए इधर हमने सिलाई लगा ली, अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से लेंगे और बिल्कुल मिडल में रखेंगे। ये देखिए सिलाई को ऐसे यहाँ पर हमें देख लेना, ऊपर से भी मिडल और नीचे से आप ऐसे फोल्ड करके देख लीजिएगा कि बिल्कुल मिडल में आनी चाहिए। और ये देखिए इसको ऐसे मिडल में रख कर, और आपको क्या करना है यहाँ से अपने कान्हा जी के पैर के अकॉर्डिंग हम नाप छोड़ कर यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए यहाँ तक बिल्कुल बस जहाँ पर मैंने ये जहाँ तक चुन्नट है मैंने वहीं तक ऐसे, और यहाँ पर हम एक तिकोनी सिलाई इस तरीके से यहाँ पर यहाँ से यूँ इस तरीके से लगा देंगे। ये भी हमें 2 लगानी है फ्रेंड्स ताकि पक्का रहे हमारा। तो चलिए लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये ऐसे यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा ली है, और हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए इसको यहाँ से बिल्कुल सावधानी से जो है कट लगाना है, इस तरीके से कट यहाँ से काट देना है इसको तिकोना ही इधर से। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ से कटिंग कर ली, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, इससे क्या सीधा करने से फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी। अब हम क्या करेंगे अपने निक्कर को करेंगे सीधा। तो ये देखिए
यहाँ से हमने इसको सीधा कर लिया, ये नीचे इनके पैर में आएगी फ्रिल कुछ इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो हमारी स्टेप्स हैं जो हमने ली थी, इनको आपको ऐसे पीछे ले जाकर पहले अपने कान्हा जी को पहनाकर देखना है फ्रेंड्स, उसके बाद जितनी आपको ये स्टेप्स इनफ लगती हैं उतनी रखकर, और बाकी हम क्या करेंगे यहाँ पर इधर और इधर जो है वो चिट बटन लगा देंगे ऐसे बैक साइड में, दोनों साइड इस तरीके से हम इस पर चिट बटन लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये इसके ऊपर चिट बटन लग जाएंगे, तो ये ऐसे उनके कंधे पर फ्रिल आ जाएगी, और यहाँ पर हम दो बटन लगा देंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा फ्रेंड्स ये। और अब हम बनाएंगे इसकी कैप। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दो बटन जो है वो पेस्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, और पीछे देखिए मैंने यहाँ पर चिट बटन भी लगा दिए कान्हा जी का मेजरमेंट लेकर, और हमारा जो है ये देखिए बिब वाली फ्रिल वाली जो है वो एकदम निक्कर ड्रेस बनकर रेडी है, बहुत ही प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। और इसके साथ की एक कैप देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बनानी नहीं बताई क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो अपनी अपलोड करी थी उसमें देखिए मैंने कैप बनानी सिखाई थी, तो सेम प्रोसीजर से जो है वो मैंने ये वाली कैप भी बनाई है। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देख कर चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। और इसमें बस मैंने यहाँ पर एक ये स्टोन लगाया है, इसमें सारे बीड्स लगाए हैं मैंने, तो सेम प्रोसीजर से मैंने बनाई है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी बनी है फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको कान्हा जी को पहना कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने कान्हा जी को ये ड्रेस पहना दी है, ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए कान्हा जी, देखिए मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आई है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने चिट बटन लगा दिए थे, और ये देखिए पैरों में फ्रिल इनके, देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स। और मैं कैप पहनाकर दिखाती हूँ आपको, तो ये देखिए कैप भी इनको एकदम फिट आई है, और ये देखिए फ्रेंड्स कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।